कहते इस वक्त एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सीएम गहलोत इस रोड मैप पर दरअसल काम कर रहे थे। ग्राफिक्स के जरिए आपको फर्स्ट इंडिया सबसे पहले जानकारी दे रहा है। कोटा बूंदी सीट पर शहीद हेमराज मीणा की पत्नी को टिकट संभव है। जयपुर ग्रामीण से शहीद रोहिताश लांबा की वीरांगना को टिकट संभव है। कोटा बूंदी सीट पर शहीद हेमराज मीणा की पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक है और इसे लेकर सीएम गहलोत इसी रोड पर काम कर रहे थे। ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ अदिति नागर जुड़ गई हैं दिल्ली से, उनका रुख कर लेते हैं। अदिति, वैसे तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये होगा अगर वाकई में ये टिकट दी जाएगी, लेकिन इसके किस तरीके के सियासी मायने निकाले जाए, क्योंकि जनता तो जनार्दन है, सब कुछ जानती है। बिल्कुल, देखिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक पुलवामा हमले की जो शहीद है उनकी पत्नियों को दो जगह से टिकट दी जाना। और देखिए लगातार जब बैठकें हो रही थी कांग्रेस में तो कर्नल जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है उनके सामने एक जो दमदार दावेदार को रखने की बात बार बार की जा रही थी और कम से कम 25 से 30 से अधिक एप्लीकेशन आई थी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, लेकिन अशोक गहलोत बार बार चाहते थे कि दमदार हो और वहां पे जाति समीकरण भी तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में ये भी बीच में आया कि कैसी स्टार को, क्योंकि जब कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आए थे तो वो स्पोर्ट्स स्टार थे और ऐसे में क्या से स्टार को उनके सामने रखा जाए। तो इस पूरी चीज के लिए अब शायद नजर आ रहा है कि दूसरे तरह का स्ट्रोक यहाँ पर कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है और पुलवामा हमले के जो शहीद है उनकी वीरांगनाओं को जयपुर ग्रामीण और कोटा के ओम बिरला के सामने से खड़ा करने की कवायद लगाई जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। हालांकि मोदी वेव होगी, मोदी वर्सेज राहुल गांधी में किसको चुना जाता है वो एक अलग मायने है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग मोड आ गया है यहाँ पर। और भी बताया जा रहा है पूनम कि और भी महिलाओं को टिकट दी जा सकती है। और देखिए अब जब लगातार जो दिया कुमारी हैं वो बीजेपी से टिकट मांग रही थी, उनको पहले विधानसभा से नहीं मिली तो उन्होंने लोकसभा में मांगी, फिर वो जयपुर से नहीं मिली तो उन्होंने राजसमंद से कोशिश की, और अब राजसमंद में जो घराना है राजघराना वो इसका विरोध कर रहे हैं कि जयपुर घराने की उनको नहीं। बिल्कुल, और जब जब ये बाकी बची सीटों की जब लिस्ट आएगी बीजेपी की तब ये साफ भी हो जाएगा। लेकिन अदिति, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद थोड़ा माहौल बदल गया था, लेकिन ऐसे में बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे यूं देख के देखा जाए, लेकिन क्या भावनाओं वर्सेस क्या होगा, क्योंकि 5 साल यहां पर जैसे अगर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात की जाए और अगर जयपुर शहर से रामचरण बोहरा की बात की जाए और कोटा बूंदी की भी बात करें, तो ऐसे में क्या जनता किसको वोट यहां पर करेगी, जिन्होंने 5 साल रहकर काम किया या फिर भावनाएं जो है वो जनता के साथ जुड़ जाएंगे। तो अदिति हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बता रही थी हमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि एक तरफ तो यहां पर महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है और दूसरी तरफ पुलवामा हमले में जो शहीद हुए थे हमारे जवान उनमें से दो वीरांगनाओं को टिकट देने के बाद कोटा बूंदी सीट पर शहीद हेमराज मीणा की पत्नी को टिकट संभव, दूसरा यहां पर जयपुर ग्रामीण से शहीद रोहिताश लांबा की वीरांगना को टिकट संभव। तो जयपुर ग्रामीण की बात करें तो केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने एक महिला एक वीरांगना को उतारने की कोशिश यहां पर की जा रही है और इसी को लेकर मंत्रणा हो रही थी, इसी को लेकर मंथन यहां पर किया जा रहा था और एक लंबा इंतजार यहां पर किया जा रहा था, लेकिन फर्स्ट इंडिया को यह जानकारी मिली है, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है और इसी को लेकर सीएम गहलोत इसी रोड मैप पर काम कर रहे थे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और जैसे मेरे सहयोगी अदिति नागर ब्यूरो चीफ दिल्ली से जुड़ी थी, उन्होंने भी यही बताया क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती थी एयर स्ट्राइक के बाद माहौल जिस तरीके से बदल गया था, दूसरा महिलाओं को भी टिकट देना था तो बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती, लेकिन अब किस तरीके से इस चुनौती को पार पाया जाएगा, जनता के सामने किस पटल पर रखा जाएगा, क्योंकि प्रचार प्रसार भी एक मुख्य और एक अहम रोल अदा करता है, लेकिन भावनाएं क्या जनता के साथ जुड़ जाएंगी, क्या जनता भावनाओं के साथ जाएगी और दूसरी तरफ या 5 साल जिन सांसद ने यानी कि बीजेपी के सांसद ने काम किया उनकी तरफ जनता का रुख रहने वाला है, ये तो तस्वीर रिजल्ट के बाद साफ हो जाएगी। चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी।